हिन्वतोधशयानस्य मास्यस्य चरणाउदक अनोपतद विपर्यस्तम रुदतः प्रपदाहतम। एक बार जब यह मास्यस्य मास भर का था, महीने भर का था, तीन महीने का, जब भगवान शकटासुर का वध किए थे, शकट को उलाटे थे, तो उसमें तीन महीने के थे, तो मास्यस्य कहा था कि महीने भर का था, अभी साल भी नहीं आया था। अगर एक साल हो गया तो कहते कि वार्षिक है, वार्षिकस्य कहते, मास्यस्य कहते, मास भर का, एक महीने का था, तीन महीने का था। तीन महीने के जब कृष्ण हुए तो करवट बदले, नहीं तो लड़के तो बस ऐसे उत्तान पड़े रहते हैं और रोते रहते हैं, है ना। तीन महीने के कृष्ण हुए तो करवट बदले अपने आप, किसी के बदलने से नहीं, अपने आप। तो बहुत खुशी की बात थी कि लड़के को कोई पोलिया वोलिया नहीं है, ठीक है, अंग अच्छा है। तो माँ यशोदा ने उत्सव किया बच्चे के करवट बदलने पर, बच्चा अच्छा है, स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है। तो घर में उत्सव हुआ, उत्सव का मुख्य अंग था भोजन, गान बजान, दान सब। तो घर में जगह नहीं रही, स्त्रियां जुटे थे, ब्राह्मण जुटे थे, सब गान बजान हो रहा था, बधाई बज रही थी, खान पान। तो कृष्ण के लिए कोई और घर में जगह नहीं, सब लोग भरे पड़े थे। तो कृष्ण को घर के बाहर अंगना में, वो भी मूल अंगना में नहीं, बाहरी आंगन में, जहां गाड़ी खड़ी की जाती थी, बैलगाड़ी, जिसमें छह छह आठ आठ बैल लगते थे, सकट बहुत भारी, आजकल जैसे वो 18 पहिए वाला या कितना पहिए वाला ट्रक होता है बड़ा, उस तरह का वो ट्रक ही समझिए, चौड़ी गाड़ी और उस पर बड़े बड़े बर्तन, और उनमें घी भरा हुआ था, दही भरा हुआ था, अभी तत्काल में यूज करने के लिए कई सामान लदे हुए थे, भरा था एकदम, और पार्किंग में खड़ा था बाहर। तो कृष्ण को माँ यशोदा ने वहीं सुलाया और बच्चों को कहा कि इसकी देखरेख करते रहना। माँ यशोदा व्यग्र हो गई लोगों को खिलाने में, पिलाने में, दान दक्षिणा देने में। तो बच्चों कहे कि नींद आ रही थी कृष्ण को, दूध पिला दी, नींद आ रही थी तो सुला दी। अधः शयानस्य, अधः नीचे सोए थे, किसके नीचे, सकट के नीचे, उस महाबैलगाड़ी के नीचे सोए थे, घर में और कहीं जगह नहीं थी। तो कुछ देर के बाद कृष्ण उठे, उसी की ये गोप लोग याद कर रहे हैं, कुछ देर के बाद नींद खुली तो रोना चालू किया, रोने लगे, खूब रो रहे थे। तो भाव तो यह था कि भूख लग गई थी इसलिए रो रहे थे, बच्चे को जल्दी भूख लगती है, रो रहे थे रो रहे थे, लेकिन माँ इतना फंसी थी कि वो सुन भी नहीं रही थी, सुन नहीं रही थी बच्चे की आवाज। और 8-10 बच्चे वहां घेर करके थे देखने के लिए, लगभग कृष्ण के ही उम्र के, कुछ बड़े बड़े थे। तो रो रहे थे रो रहे थे। रोने का भाव श्रीपद बल्लभाचार्य जी कहते हैं, भगवान सोच रहे हैं कि सबको भोजन मिल रहा है और मुझको कोई ध्यान नहीं। तो भगवान का भोजन तो पूरी सूरी था नहीं, वो तो दूध केवल पीते थे, अभी तीन महीने के थे। तो बल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान ने सोचा कि मैं लक्ष्मीपति हूं और यहाँ हमारे घर में सब लोग खा रहे हैं, हमको रहने की भी जगह नहीं है, भोजन भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो भगवान रोवे नहीं तो क्या करे। रो रहे और मैं सुन नहीं रही थी क्योंकि बहुत गान बजान हल्ला हो रहा था, उत्सव चल रहा था, तो नहीं सुनी। तो रोते रोते स्वाभाविक जैसे बच्चे पैर उछालते हैं,
ऐसे क्या क्या करते हुए रो रहे थे, और रोते रोते चरणों हिनवतर दोनों चरण उछाल रहे थे, उछालते उछालते उसमें से एक पैर का पैर को थोड़ा सा बढ़ाए, प्रपद पैर के अगले भाग से आहतम थोड़ा आ मैंने सम्य ईसत थोड़ा सा टच किए, ये लोग सब वर्णन करेंगे, पैर और रोते हुए पैर हिनवत चालयत पैर चला रहा था और प्रपद से अगले पैर से थोड़ा सा उंगली से आहत थोड़ा सा टच किया तो सकटम विपर्यस्तम उल्टा हो गया, उल्टा होकर के धड़ाम से गिरा। भी क्या आश्चर्य देखो, उतना भारी ट्रक उतना बैल भारी सकट और विपर्यस्तम पैर टच स्पर्श होते ही वो उल्टा होकर के और गिरा धड़ाम से, जितने बर्तन से सब फूट फाट गए, रस बह गए, घी दही और सब। हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि रसो वही सह, आज तक उपनिषद कहता है, सब लोग कहते हैं कि मैं रस हूं तो मेरे ऊपर ये रस क्यों आ गया, मैं असली रस हूं। भगवान ने पटक दिया रस को, हमसे बढ़ करके कोई रस नहीं है। सब ध्वस्त हो, गाड़ी भी टूट गई, उसका फड़ क्या क्या होता है सब टूट टट गया, सब धूला उड़ा सब ध्वस्त। और अब धड़ाम से आवाज जब फैली धड़धड़ तड़तड़ टूटने का तो फेस्टिवल बंद, और सब लोग कृष्ण के पास आ गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कैसी कैसी गाड़ी पलट गई, कैसी हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई राक्षस आकर पलट गया क्या हुआ, कोई हाथी आया था, सब आपस में इधर विचार करने लगे, अरे क्या हुआ कैसे गाड़ी पलट गई कैसे पलट गई कैसे पलट गई। तो वहां बच्चे कुछ थे तो उन लोगों से लोग पूछने लगे, तुम लोग कहां थे, तुम लोग कहां थे, देखिए कैसे पलटी गाड़ी। कैसे पलटी, तो बच्चे कहते ये रो रहा था और पैर ऐसे ऐसे कर रहा था, थोड़ा सा छुआ तब तक, तो वो कर तब तक इसने पलटा है, अरे बेकार बच्चे। ठीक कहते, बच्चों को बुद्धि नहीं होती, कुछ लोग तो बोलने नहीं दिए, चुप। यही पलटा है। जो बेचारा स्वयं ही भूख से छटपटा रहा है रो रहा है वो पैर से मारेगा। इसने नहीं मारा, लोग माने ने कोई नहीं माना। फिर माँ जसोदा अब खिलाना पिलाना क्या करे, बच्चे को उठा करके रखी, गरीब हे नारायण हमारे बच्चे पर नहीं गिरा सकट बच गया। उसको गिरना चाहिए तो वो कृष्ण उसके नीचे सोए थे और उन पर नहीं गिरा, उनके पैर से लग करके ऐसे उलट करके गिरा दूर उन पर नहीं गिरा, अरे वही गिराए थे तो क्यों अपने पर गिरने दे। लेकिन अभी तमाशा हो गया और फेस्टिवल जो था पूरा भय में बदल गया, यहाँ अब शकुन होने लगा। अब शकुन होने लगा, बताओ कोई ट्रक खड़ा हो और बिना चले ऐसे खड़े खड़े उल्टा उलट जाए, कितनी कितनी भारी शंका हुई, क्या हो रहा है, हो ना हो कोई न कोई राक्षस या भूत पटक दिया, सोच रहे हैं। बच्चे वहीं साक्षी हैं, हरीश्वरी जब जब कहते हैं कि बच्चे कहे कि यही रो रहा था इसी के पैर से लगा, इतना ही कहे, ये नहीं कहने की हिम्मत है कि इसी ने पटका, तुम लोग ने क्या देखा क्या देखा बोलो बोलो, तो कहे देखे यही रो रहा था पैर ऊपर कर रहा था। और पलटने की क्रिया नहीं बता सके। क्योंकि बच्चे भी इतना कन्विंस थोड़े